सरकार द्वारा कच्चे तेल की भारी मात्रा में आयात की वजह से भारत के निर्यात पर होने वाले फायदे मानो खत्म हो गए हैं। मसलन भारत का आयात निर्यात से कहीं ज्यादा है। हालांकि सरकार को विश्वास है कि साल 400 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात से ये संकेत मिलेगा कि अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है, लेकिन पहली दो तिमाहियों के लिए जारी आंकड़े एक और रिकॉर्ड व्यापार घाटे की कहानी बयां करते हैं। केंद्र ने महामारी के खत्म होने के साथ ही दावे किए कि भारत का निर्यात बढ़ रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है, जबकि अक्टूबर महीने में भारत का व्यापार घाटा 19.9 अरब डॉलर के प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में 19.7 अरब डॉलर था, जो पिछले अक्टूबर महीने में 9.15 अरब डॉलर की तुलना में दुगने से भी ज्यादा है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर महीने की अवधि के दौरान भारत का व्यापार घाटा 97.8 अरब डॉलर था, जबकि ये साल 2020 में सिर्फ 35.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। गौर करने वाली बात ये है कि यह आंकड़े महामारी के बाद के हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत द्वारा कच्चे तेल की खरीद में 140.5% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से आयात 62.5% बढ़कर 55.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। सरकार के प्रवक्ताओं ने बड़े गर्व से बताया कि भारत का निर्यात 43% बढ़कर 35.7 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि उस निर्यात में भारत में उत्पादित की गई वस्तुओं का योगदान असंतुष्ट करने वाला है। भारत के कच्चे तेल के आयात में तो 140% की बढ़ोतरी हुई ही, लेकिन भारत का कच्चे तेल का निर्यात भी 240% के साथ सबसे ज्यादा रहा। भारत द्वारा निर्यात किए गए वस्तुओं में कॉफी का योगदान 81%, इंजीनियरिंग सामान का 51% और कपास और हथकरघा उत्पादों का निर्यात 46.2% रहा, जबकि लौह अयस्क का निर्यात 77% तक गिर गया है। इनके अलावा ऑयल मिल्स का निर्यात 51%, तिलहन का 16% और चाय का निर्यात 11% तक घट गया है। साल 2020 के दौरान भारत के आयात में पेट्रोलियम उत्पादों का योगदान 27% से ज्यादा रहा। इस कच्चे तेल की उच्च कीमतों की संभावना के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट की उम्मीद काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।